हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट ललित स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल साइंस प्लस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं, वर्तमान समय एक प्रकार का हम कह सकते हैं लॉकडाउन ही चल रहा है। और अपने पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि बहुत जल्दी मेरा अपना एजुकेशनल ऐप जो ऑनलाइन है लॉन्च हो रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सक्से जाइकोन नाम से मेरा ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म ऐप के माध्यम से जो है लॉन्च किया जा चुका है। और इस ऐप के माध्यम से आप अपने घर बैठे बहुत ही कम प्राइस पर जो है सब्सक्रिप्शन लेकर, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेकर आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। कौन कौन सी क्लास हम लेने वाले हैं बता दूं आपको, क्लास 9-10 जनरल साइंस, क्लास 11-12 बायोलॉजी, और जो हमारी बीएससी और बीएससी बीएड के स्टूडेंट हैं उनके लिए बॉटनी और जूलॉजी की क्लासेज, ये आपकी इस ऐप पर अवेलेबल रहेगी। और ऐप कैसे डाउनलोड करना है, एक सामान्य जानकारी बता दूँ आपको, आपको प्ले स्टोर पे जाना है और सक्से जाइकोन करके जो ऐप है उसको डाउनलोड करना है। और जब आप डाउनलोड कर लेते हैं उसके बाद आप जो मेरे नंबर व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं नीचे, उस पे आप मुझे मैसेज करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और क्लासेज किस प्रकार से रहेगी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सारी क्लासेज लाइव रहेगी। और यदि किसी कारणवश आप किसी दिन सेशन अटेंड नहीं कर पाए तो ऐप पर ही जो क्लास का जो सेशन चला है वो आपको सेव वीडियो के रूप में मिल जाएगा, आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से जारी रख सकते हैं। जल्दी करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े और अपनी एजुकेशन में कंटिन्यूटी को बनाए रखें। आइए एक लुक देखते हैं किस प्रकार से हमारी क्लासेज रन करेगी, किस प्रकार से हम पढ़ेंगे, कैसी टेक्नोलॉजी का हम यूज करने वाले हैं, एक ओवरव्यू आगे देखिए वीडियो के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका एजुकेटर ट्यूटर ललित और स्वागत करता हूँ अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म सक्सेज आइकॉन पर। फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना जो टॉपिक है वो है अपना जो सब्जेक्ट है जूलॉजी, या जिसे हम प्राणी विज्ञान भी कहते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और क्या चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, सबसे पहले ये जान लें, हम आज बात करेंगे सम टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन इनवर्टिब्रेट जूलॉजी। इनवर्टिब्रेट आपको पता है, सजीव जगत को हमने वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में डिवाइड कर रखा है। ऐसे ही एक डिवाइडेशन हमने कोर्डेटा नॉन कोर्डेटा का भी कर रखा है। फर्दर अगले जो चैप्टर में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कुछ टेक्निकल टर्म, जब भी हम जूलॉजी पढ़ते हैं स्पेशली इनवर्टिब्रेट के रेफरेंस में, तो हम किस प्रकार के टर्म्स को यूज करते हैं और इनका जो है क्या क्या मीन्स होता है, ये हमारे लिए जानना बड़ा जरूरी होता है। तो आइए बात करते हैं कुछ टर्म्स जो आज मैंने आप लोगों के लिए ये आइडेंटिफाई करी है और यहाँ पे हम रेफरेंस लेने वाले हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली हमारी टर्म आती है एब्सॉर्प्शन, हिंदी में इसको कहते हैं अवशोषण। मतलब क्या हुआ, देखिए जैसा कि हमारे सामने लिखा हुआ है, टेकिंग इन सबसे ध्यान देने वाली बात है, अंदर की तरफ लेना, ऑफ सब्सटेंसेज जो भी सब्सटेंस है उनको किसके द्वारा, सेल्स के द्वारा या जो है वेसल्स के द्वारा। सीधा सा अर्थ यदि हम निकालें तो किसी भी सब्सटेंस को कोशिकाओं द्वारा या जो वाहिनियां होती है उनके द्वारा अंदर की तरफ ग्रहण कर लेना, यह क्या कहलाता है, एब्सॉर्प्शन या अवशोषण जो है कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, एक और टर्म है हमारी यूजफुल, दैट इज एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन का मीन्स सीधा सा यदि हम अर्थ लगाए तो एडॉप्ट कर लेना, या इसको हम यूँ कह सकते हैं स्वीकार कर लेना। क्या मतलब हुआ, देखिए, फिटनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स इन्वायरमेंट। फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं हर इंडिविजुअल, हर ऑर्गेनिज्म अपने आप को तभी सर्वाइव कर पाता है
या अपने आप को तभी जीवित रख पाता है जब वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट या पर्यावरण के अनुसार अपने आप को व्यवस्थित कर लेता है। तो यही हमारी टर्म है, एडोप्टेशन या अनुकूलन। तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के अनुसार फिट कर लेता है तो इसे ही हम क्या कहते हैं, एडोप्टेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली जो हमारी टर्म है दैट इज एम्फीबियस। देखिए एम्फी का मतलब होता है दोहरा और बायोस का मतलब होता है जीवन। तो दोहरा जीवन किस संदर्भ में है, कोई भी ऑर्गेनिज्म वो केपेबल होता है किस में, वो लैंड पर भी रह सकता है और वाटर में भी वो अपना सर्वाइव कर सकता है। तो ऐसे प्राणी, ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर बॉडी में भी रह सकते हैं, अंडर वाटर रह सकते हैं, तो उनके लिए हम ये जो टर्म यूज करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस। आप सभी जानते हो हमने एक क्लास बना रखी है एम्फीबिया। किस टर्म में यूज करते हैं एम्फीबिया को, ऐसी क्लास जिसके जो मेंबर हैं वो वाटर में भी रह सकते हैं, जल में भी रह सकते हैं और स्थल भाग पर भी वो जो है रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और वर्ड आता है एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस का क्या मतलब हुआ, देखिए यूनियन ऑफ मेल गेमिट और एंड फीमेल गेमिट, वापिस एक बार रिपीट कर देता हूँ, यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटिक न्यूक्लियाई टू फॉर्म ए जायकोट न्यूक्लियस। क्या होता है, जब भी रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो फ्यूजन होता है किसका, मेल और फीमेल गेमिट का। और जब इस फ्यूजन के दौरान जो मेल गेमिट है उसका न्यूक्लियस और जो फीमेल गेमिट है उसका जो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं, एम्फीमिक्सिस जो है कहते हैं। और इसके रिजल्ट में क्या होता है, एक जायगोट का जो जायकोट बना है फर्टिलाइजेशन के बाद उसका न्यूक्लियस जो है फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही एक और टर्म है हमारी दैट इज कास्टिंग्स। कास्टिंग्स क्या है, देखिए अनडाइजेस्टेड सॉलिड्स कंटेनिंग सोइल। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म या प्राणी क्या करते हैं, बिल बनाकर रहते हैं और उनका जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है या जो फिकस है वो जब बाहर निकाला जाता है तो उसके साथ कुछ सोइल या कुछ मिट्टी भी क्या होती है, कंटेंट होती है, मीन्स उसमें मिली हुई रहती है। हिंदी में इसके लिए हम बात करते हैं, इसके लिए एक शब्द यूज करते हैं, कृमि सृप्ति, है ना। तो बहुत सारे प्राणी जहाँ पर बिल बनाकर रहते हैं, यूजुअली आप वहाँ जाएंगे तो बिल के किसी किनारे पर आपको इस प्रकार की कास्टिंग जो है देखने को मिल सकती है। और जहाँ पे इस प्रकार की कास्टिंग मिलेगी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी रिलेवेंट ऑर्गेनिज्म है वो वहाँ पाया जा सकता है। ऐसे ही एक और टर्म आती है हमारी बेंथोस। बेंथोस इसका मतलब क्या हुआ, फ्लोरा और फोना ऑफ द बॉटम ऑफ द ओशियन एंड लेक्स। मीन्स क्या हुआ इसका, देखिए फ्लोरा और फोना हम किस रेफरेंस में यूज करते हैं, हम करते हैं पादप जगत या जंतु जगत, किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाली, है ना। किस स्थान पर पाए जाने वाले, जो बॉटम भाग है ना, या तली वाला क्षेत्र है किसका, ओशियन का और लेक्स का, है ना। हम सभी जानते हैं दोनों ही क्या है, वाटर बॉडी है। तो इनकी तली में हम सीधा कह सकते हैं समुद्र की तली में या जो है किसी झील की तली में पाए जाने वाले जो भी पादप और जंतु है उनके लिए कौन सी टर्म यूज करते हैं, हम बेंथोस यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और टर्म आती है, एक टर्म बड़ी कॉमन है, बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी का मतलब होता है दो। तो देखिए सिंपल सी टर्म है, डिवीजन ऑफ ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, डिवीजन ऑफ ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बाई माइटोसिस, है ना। ये माइटोसिस क्या है, समसूत्री विभाजन है, कोशिका विभाजन है इनटू टू डॉटर इंडिविजुअल, ठीक है। एक उदाहरण के द्वारा
हम इसको जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय जो ऑर्गेनिज्म है वो माइटोसिस की क्रिया द्वारा दो जो है डॉटर इंडिविजुअल जो है बनाता है। किस प्रकार बनाता है ये देखो, ये सामने आप देख सकते हैं, ये अमीबा का डायग्राम है। ये एक पेरेंटल सेल है अमीबा की, और इसमें क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, और सेल डिवीजन होके इसके जो है दो डॉटर सेल बनी है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये तो क्या हो गई, पेरेंट सेल हो गई, ठीक है। अब इसमें डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन हुआ, ठीक है, और जो रिजल्ट में क्या बना, न्यू डॉटर सेल बनी। कितनी बनी, ध्यान देने वाली बात है, दिस इज वन एंड दिस इज टू, तो दो सेल डॉटर सेल बनी, तो इसीलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, बाइनरी फ्यूजन। ध्यान देने वाली बात है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बायोल्यूमिनेसेंस, अगली जो हमारी टर्म है इसका क्या मतलब हुआ, बायो का मतलब होता है जीव या जैविक जगत, ल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है प्रकाश। तो देखिए सीधा सा अर्थ है इसका, इमिशन, इमिशन का मतलब होता है उत्सर्जन, किसका, लाइट का, प्रकाश का, किसके द्वारा, लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, आपने जुगनू के बारे में पढ़ा होगा, जो इंसेक्ट है, कीट है, या समुद्र में पाई जाने वाली कई प्रकार की मछलियां जो है अपने शरीर के किसी भाग द्वारा जो है प्रकाश उत्पन्न करती है। इस घटना को, इस फिनोमिनान को हम क्या कहते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस जो है कहते हैं। अगला आता है कोपुलेशन। अब ये वर्ड हम कई मीन्स में जो है यूज करते हैं, यूजुअली इसका मीन्स क्या होता है, रिप्रोडक्शन के दौरान जो है मेल और फीमेल जब अपने जो गेमिट्स है उनका ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे के अंदर या एक दूसरे के जेनाइटल ट्रैक में, तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं कोपुलेशन। फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, फिर एक हमारी और इम्पोर्टेंट टर्म आती है, ये है साइटोकाइनेसिस। क्या मतलब हुआ, देखिए साइटो का मतलब हो गया कोशिका से संबंधित है, डिवीजन ऑफ, है ना, इसको आप यहाँ से पढ़िए, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किसको कहेंगे, कोशिका द्रव्य को, ड्यूरिंग माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस क्या है, ये कोशिका विभाजन के दो प्रकार है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो जब भी इस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है तो इस कोशिका विभाजन के दौरान जब जो साइटोप्लाज्म है इसका विभाजन होता है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक कोशिका है, इसका क्या हो रहा है, हम कह सकते हैं साइटोकाइनेसिस यहाँ पर हो रहा है। देखिए ये इसका न्यूक्लियस है यहाँ पर, है ना, और इसके सराउंडिंग में जो भी मटेरियल है उसी को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो जब भी कोशिका विभाजन हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, आप स्पष्ट देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी हो रहा है, है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए ये टर्म्स थी आप लोगों के लिए, फिर मिलता हूँ एक नई टर्म्स के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, गुड बाय।